आयुष विभाग उत्तर प्रदेश डॉक्टर नीलकंठ तिवारी द्वारा विभिन्न निर्माण परियोजनाओं के सहित निवास का निरीक्षण किया गया। मंत्री जी के कुशीनगर आगमन पर जिला अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह व एसपी विनोद कुमार द्वारा होटल पथिक निवास में स्वागत किया गया। साथ ही पथिक निवास के निरीक्षण बारीकी से करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। देखिए, जो योजनाएं पहले की थी उसमें कुछ पूर्णता की ओर है, कुछ जो बची है उसको भी हम पूरा कराना चाहते हैं और उस पर काम हो रहा है, लगे भी हैं। ये चारों तरफ से देख करके जहाँ से भी जो कमी है, निर्माण एजेंसी के स्तर पर कमी है, शासन स्तर पर कमी है, सभी चीज़ों को हम लोग एक एक चीज़ बारीकी से इसको देख रहे हैं और देख करके उस पर काम कर रहे हैं। इस परियोजना को 2003 में एक कंप्रोमाइज कर लीजिए या डीड कर लीजिए बना था और डीड के आधार पर उस 195 एकड़ ज़मीन में ट्रस्ट को दे दिया गया, लेकिन मत्स्य ट्रस्ट ने कुछ किया नहीं। हम लोग बार बार प्रयास करते रहे कि उनके द्वारा काम कराया जाए। फिर बाद में हमने पूछा उनसे कि भाई आपके पास फंड की क्या स्थिति है, कहाँ से फंड लाएंगे। हमारे जिलाधिकारी द्वारा, एसडीएम द्वारा, अन्य अधिकारियों द्वारा भी पूछा गया उनसे कि आप फंड के अपने बताइए कि फंड के सोर्सेज कहाँ हैं आपके। वो नहीं बता पाए। इतनी बड़ी लैंड जहाँ पर पर्यटन के बड़े कार्य हो सकते थे, वर्ल्ड स्तर का, वर्ल्ड क्लास का पर्यटन के लिए और भी विकास की सुविधाएं और स्थापना बहुत चीज़ें यहाँ पर बन सकती थी, लेकिन नहीं बन सकती। अब हम लोग उसको लेकर के आए हैं और पर्यटन विभाग, स्वयं सरकार या कुछ अन्य भी संस्थाएं जिनके माध्यम से क्या हम कर सकते हैं, उस पर हम लोग आज इसका स्थलीय निरीक्षण किए हैं। आने वाले दिनों में इस पर बैठक करेंगे, बैठक करके उसको तय करने वाले। सर, मैत्रेय फेज़ वन तो ये हो गया, फेज़ टू की ज़मीनें रजिस्ट्री नहीं होती हैं, किसान आज भी परेशान है, तो उसको सभी चीज़ों के लिए एक बैठक होनी है। उस बैठक पर जो निर्णय होगा, उस बैठक से जो सुझाव आएंगे उस पर सरकार के स्तर पर देखेंगे